चलिए हम आपको दृश्य दर्शाने लेकर चल रहे हैं एमआईएम पार्टी का बढ़ता जनाधार सोहेल नवाब बेग का, जो कि खाड़ी पार में उनके कार्यालय का उद्घाटन संपन्न किया गया। एमआईएम के भिवंडी शहर अध्यक्ष खालिद गुड्डू के हाथों कार्यालय का उद्घाटन हुआ। उसके बाद हम आपको दृश्य दर्शा सकते हैं, वहाँ पर अल्ताफ वाली, सोहेल नवाब बेग, खालिद गुड्डू के स्वागत में लगे हुए थे। किस तरीके का वहाँ का नज़ारा बना था ये आप दृश्य में देख सकते हैं। कार्यालय के उद्घाटन के बाद एक सभा भी संपन्न किया गया। उस सभा में जो भी एमआईएम के कार्यकर्ता आए हुए थे सभी का वहाँ पर सम्मान किया गया, और ख़ास करके एक बात स्पष्ट रही कि जिस तरीके से एमआईएम पार्टी की जनाधार बढ़ते जा रही है खालिद गुड्डू के नेतृत्व में, जब से उन्होंने भिवंडी शहर का कमान खालिद गुड्डू ने संभाला है, सचमुच में एमआईएम पार्टी जिस रफ्तार में आगे बढ़ती नज़र आ रही है कि मैदान में और पार्टियों की गिनती नहीं होगी। हम आपको वहाँ पर दृश्य दर्शा रहे हैं जब सारे मेहमानों का वहाँ पर स्वागत सम्मान, जो कि शॉल और हार के साथ लोगों का सम्मान किया जा रहा था, उस समय का हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। पर जिस तरीके से बढ़ता जनाधार एमआईएम पार्टी का और पार्टियों के नींद उड़ गए हैं ऐसी जनाधार को देखकर, हम आपको वहां पर दृश्य दर्शा रहे हैं किस तरीके से मेहमानों से सजाया मंच और एमआईएम पार्टी किस तरीके से अपने रेस में फिर से आ रही है। और ख़ास करके सबसे बड़ी जो बात रही है, वहाँ पर मेहमानों के साथ साथ उमड़ा यह जन सैलाब, आप देख सकते हैं किस तरीके से वहाँ पर लोगों की एक भीड़ मची हुई थी। हम आपको वहाँ का दृश्य दर्शा रहे हैं, और ख़ास करके वहाँ पर एमआईएम के अध्यक्ष खालिद गुड्डू ने एक विशेष इंटरव्यू में क्या कहा है वो आप सुन सकते हैं, और साथ ही साथ वहाँ पर सोहेल नवाब बेग ने भी हमारे टीम से क्या बातचीत की है आप वो सुनिए। बाहर से एमआईएम पार्टी के लिए आए हुए थे जो मेहमान, उनकी भी हम राय लेते हैं। और सबसे पहले सोहेल नवाब बेग हमारे टीम से क्या कह रहे हैं वो जरा आप सुनिए। पहली बात तो आप लोग मीडिया का बहुत तहे दिल से, हम लोग खाड़ी पार रोड के ग्राम के लड़के लोग आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग इंटरव्यू लेने के लिए यहाँ पे इतने देर टाइम तक खड़े हुए, और तकलीफ आपको हुई तो उससे माफी चाहता हूँ। दूसरी बात, समस्या तो सभी लोगों ने यहाँ पे रखा, और वाकई में समस्या है, और ऐसी समस्या है कि उसको समस्या का आंदोलन करने के लिए, उसका पेपर वर्क करने के लिए, उसके पीछे फॉलोअप देने के लिए हमको एक ऐसे लीडर की जरूरत थी जिसको हम लोग जैसे हम हमारे सर्कल में बैठे थे, मैं हो गया, काम हो गया, शादी हो गया, तो हम लोग बोलते थे कि हम लोग तीसरा मोर्चा लाएंगे कि हमको कोई हमको दो दो ही ब्रिज मिले, आप तीसरा ब्रिज हमको हमारे चालू हो। मतलब क्या हो गया, हम जब आते थे तो हमने हम बॉडी चुन के यहाँ पे भेजते हैं, हमने ही काम कर रहे हैं, लोगों ने हमको चुन के दिया, यहाँ के आवाम ने भी हमको हमारे पर भरोसा किया, और हमारे पहले भी लोगों ने काम किया, अभी भी काम चाहते, ऐसी कोई बात नहीं, काम में कहीं भी टेक्निकल प्रॉब्लम आता है बात नहीं है, लेकिन यहाँ तक मालूम इंसान को होती है, मालूम जैसा पेपर की जो मालूम होती है, तो उस शक्ल के अंदर हमको कोई लीडर दिखा नहीं। वो लीडर मुझे ऐसा लगता है, ये बात मैं खुलासे में बोलना चाहता हूँ, कि उत्तर प्रदेश के अंदर बड़े लीडर के ऊपर शायरी मराठी भाषा जब राष्ट्र में मराठी बोलना लीडर हमारा खाली गुड्डू साहब था, जो काजू मालूम शेख मैं हम लोग जब जुड़े थे तो हम सब साथ में घूमते थे ना, तो हम लोग वो टाइम पे देखते थे कि इन्होंने जाके अपने अध्यक्ष पद के साथ में हमारे साथ में वहाँ पर काम करा के लाए, और काम होता है उनसे, और ये बात की गवाही मैं देता हूँ। कुछ महीने पहले तक ये आवाज़ आती थी पूरे भिवंडी में मजलिस ख़त्म हो चुकी है, ऐसा नहीं था अल्हम्दुलिल्लाह आज लोग थे, लेकिन खालिद गुड्डू साहब के आ जाने की वजह से आज अचानक का एक हाईलाइट देखने को मिल रहा है, और एक उम्मीद देखने को मिल रही है कि अगर मजलिस का मेयर अगर कहीं बैठेगा पूरे महाराष्ट्र में, तो अल्हम्दुलिल्लाह उत्तर प्रदेश से बैठेगा, और हमारे खालिद गुड्डू साहब के नेतृत्व में बैठेगा इंशाल्लाह, और ये ख्वाब जो है इंशाल्लाह बहुत ही जल्द से जल्द ये आवाम जो है भिवंडी की सपोर्ट करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा नगर से वोट ला करके इंशाल्लाह ताला यहाँ पर मेयर बिठाने की ताकत खालिद गुड्डू साहब और एमआईएम के कार्यकर्ता रखते हैं। पतंग आज नहीं लहराई है, पतंग जब इलेक्शन चल रहा था विधानसभा का जब ही लहराई थी, रसूल खान साहब और सोहेल नवाब बेग, यहाँ पे जो इनकी टीम है एक ताकतवर टीम है, आपको भी पता है और यहाँ की जनता को भी पता है और शहर की आवाम को भी पता है, एक ताकतवर टीम है। इन्होंने जो वादा मुझसे किया था इलेक्शन में, उससे कहीं ज़्यादा यहाँ पे इलेक्शन में वोटिंग हुई है, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आगे जब भी चुनाव का सीजन आएगा उस सीजन में बड़े पैमाने पर यहाँ पर वोटिंग होगी, और लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा मजलिस की तरफ झुकेंगे, और मजलिस को
सपोर्ट करेंगे। रहा सवाल टोरेंट कंपनी का, टोरेंट कंपनी का हमेशा लड़ाई लड़ने की ताकत और कुवत है, और इस बार एक बड़ी पैमाने पे मजलिस की तरफ से एक मोर्चा होगा। इनको पहले एक अल्टीमेटम दिया जाएगा, अगर ये सुधर जाते हैं तो ठीक है, और नहीं सुधरते हैं तो अब इनकी पिटाई होगी। क्योंकि इस शहर में जिस तरीके से लोग परेशान है, जिस तरीके से लोग ये बोगस केसों ने इनको फंसाया जा रहा है, टोरेंट कंपनी के लोग जिस तरीके से आवाम के साथ खेल खेल रही है, जिस तरीके से उनको लूट रही है, पुलिस महकमे के कंधे पे बंदूक रखकर, पुलिस महकमे के नाम पे वर्दी पे डरा के लोगों के जेब से जो पैसा निकाला जाता है, इनको मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। ये तो पहले हमारे बड़े लीडर के पास जाके दबाव डलवाते थे, अब इनको पहले हैदराबाद की बिरयानी खा के वहां जाना पड़ेगा। सर देखा जाए तो भिवंडी शहर में सड़कें और बिजली तो समस्या है ही है, देखा जाए तो भिवंडी शहर की धड़कन कहलाने वाला पावर लूम भी, उसका शोर भी थमता हुआ नजर आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसे लेकर? देखिए, हमारे असद अवैसी साहब ने हिंदुस्तान की दिल्ली की असेंबली में उन्होंने एक बहुत बड़े पैमाने पर इसके बारे में आवाज उठाया है, और उन्होंने अच्छी मालूमात लेकर लोकसभा में बात की, जबकि यहाँ पे जो भी सिटिंग MP हैं और जो इसके पहले भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, इन्होंने कभी इस तरीके से लोकसभा में शहर की पावर लूम इंडस्ट्री की बात नहीं की है, और मैंने उनको बहुत सा डाटा दिया है, और भी डाटा मैं जमा करके दे रहा हूँ, वो बहुत जल्द लोकसभा में ये बात रखेंगे, और कहीं ना कहीं जो पावर लूम बंद है उसको चालू होगा, वो पावर लूम चालू होगा और अच्छे बिजनेस बढ़ेंगे और पावर लूम अच्छे से चलेगा, ऐसा मैं यहाँ की आवाम को